जय हो पितरों विचारो मेहर रखे हो फूल जुक लिखे लायो हरदा बेड़ा बनना लायो। और आज हम मैरिज के बाद अंचल पहली बार जा रही पिछड़ो गया ना माता टेकने मैरिज के बाद दूसरी मतलब, बार हाँ, दूसरी।, दूसरी बार मतलब पहली बार ही हो गया मतलब कि एक टाइम तो हम पितरों को माथा टेकने गए थे और आज दूसरी बार जा रहे हैं आज उनको भोग लगाने आज उनका दिन है तो पितरों का दिन है तो आज किसी ने ना पितर देवता को बाहर निकाल दिया माथा टेकने के लिए ताकि आसानी हो। चलो अंचल जय बाबेरी शिवाय साहिल और शिवाय अपने पापा के साथ पितरों को माथा टेकने आए और मैं और अंचल और हमारे शरीके में जिनके पितर ये है वो सब आए हैं। हमारे पितर जो है हमारे गांव में ही है तो काफ़ी हमारे गांव के लोग हैं जिनके पितर हमारे गांव में हैं तो यहाँ पे पितरों का माथा भी टेक रहे हैं और यहाँ पे दूसरे जिनके पितर हैं ना उन्होंने भंडारे का आयोजन भी किया है और ये नीचे भागवती जी का मंदिर है उस साइड भंडारे का आयोजन चल रहा है तैयारी चल रही है। अब हम माथा टेकने जा रहे हैं हमारे पितर जब जिस घर में मैरिज होती है ना उस घर में पितरों का वास होता है तो वहाँ पे पितर अपना स्थान लेते हैं तो उनके घर में माथा टेकने जा रहे हैं। पहले पितर हमारे घर में थे अब हमारे शरीक में एक और मैरिज है तो उनके घर में अभी हमने उनके घर में माथा टेक करके आना है पितरों को। आपके घर के वहाँ के पितर कहाँ पे है? गुरदासपुर में। हाँ जी गुरदासपुर में है ना। काफ़ी लोग है ना पितर जो अपने गाँव से बहुत दूर लगती है। हाँ आप लोग कमेंट करके बताना जिनके वहाँ पे पितरों की मेल लगती है तो हमारे तो पितरों की माता अपने गांव में टेक लेते हैं लेकिन हमारे नान के साइड में भी काफी दूर जाकर के पितर है उनके लिए नहीं आए क्योंकि लड़कियां माथा टेकती नहीं है ऐसा लड़के भी पितर देख सकते हैं वही बोलते फिर आप लोग जाओ आपकी शादी हुई है ऐसे। सबसे पहले मैंने किए कपड़े चेंज और मैंने ये वाली कुर्ती वेयर की है और साथ में लेगिंग नहीं इसको कैपरी बोल सकते हो और क्योंकि मुझे बनाना है खाना दाल बनी हुई है रात की अब सिर्फ मैं बनाऊंगी चपातियाँ और ताकि हमारा ब्रेकफास्ट हो सके और किचन का काम करके उसके बाद देखते कोई और काम किया जाए। इनके रेडी है दाल पड़ी है रात की जो इन्होंने बनाई थी और साथ में मैंने चपातियाँ बना दी हैं। चाय पीते पीते मैं मंगवाने लगी हूँ ऑनलाइन कुछ चीज़ें जो जो भी डेकोरेशन के लिए होम डेकोर में काम आएंगी जितना धीरे धीरे कर सकती हूँ मैं एकदम से नहीं मैं खर्चा कर रही धीरे धीरे बजट के हिसाब से जितना मेरे को खर्चा इनसे मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ जितना मैं ले सकती हूँ वैसे लेती हूँ और धीरे धीरे आपको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। मैं आ गई बोलो क्या है
आगी आजा। क्या आया है? मैंने लगी हूँ स्वीट कॉर्न्स। अगर जैसे आप लोग कभी कभी मन करता है स्वीट कॉर्न्स वगैरह बहुत लोगों को पसंद होते हैं, तो अगर मन करता है तो वैसे तो सभी को पता होगा लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। फ्रोजन हमको स्वीट कॉर्न्स मिलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स फ्रोजन मिलते हैं बाजार से, वो ले लीजिए। मतलब मोस्टली आपको वो स्मार्ट बाजार से मिल जाएगा। लीजिए और बटर ले लीजिए, नींबू ले लीजिए। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो जो लेना है। ब्लैक पेपर एंड ब्लैक सॉल्ट, बस इतना काम है आपका। और क्या करना है, आपने जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है उतनी क्वांटिटी में उसको ले लीजिए। एक पैन में जिसमें भी आप उसको गर्म करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालो, जिससे क्या वो जस्ट थोड़े से बॉयल हो, सिर्फ थोड़े से, क्योंकि उसके जो फ्रोजन चीज़ है ना उसको कम करना है। तो मैंने क्या किया, इससे भी कम पानी लेना चाहिए लेकिन मैंने इतना ले लिया। अब मैं इसको ये एक साइड पे होता रहेगा, दूसरी तरफ मेरे को क्या चाहिए, आधा नींबू, आधे से भी चाहे 1/4 हो, ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। अब जब ये बन जाएगा ना थोड़ी देर में पता लग जाएगा, बस 5 मिनट्स। अगर फुल पे भी पकाना है मतलब फुल पे रहने देना है इसको, तो फुल पे कर दो और 5 मिनट्स की वेट करो। अगर पानी कम डाला है तो बस उसको मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा उसकी वेट करनी है। बटर ले लीजिए, बाउल ले लीजिए। जब ये हो जाएंगे, जब ये हो जाएंगे इसको बाउल में डाल दूंगी मैं, उसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी और उसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दूंगी एंड देन ब्लैक सॉल्ट, और इसको मिक्स करेंगे, नींबू का चटकारा देंगे और हमारा स्वीट कॉर्न्स रेडी है घर पे। बाहर भी आप खा सकते हो लेकिन अगर घर पे बनाना हो, बहुत जनों को, मेरा तो बहुत मन करता था और मेरे को ये पता नहीं था, मैं पहले की बात कर रही हूँ। फिर ऐसे हमने देखा अचानक से और मेरा तब से मन करता है। अब मैं खुद जब भी मैं पैकेट ले आती हूँ, जब भी स्मार्ट बाजार जाती हूँ, और एक मक्खन बस, तो मक्खन मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। अब स्वीट कॉर्न मेरे कुछ ही देर में बनने वाले हैं तो मैं इसमें डाल दूँगी उसको। पानी सारा निकाल के उसको डालना बीच में, उसे सारा पानी जो है वो निकाल लिया। पहले आप सभी को दीवार पे यहाँ पे सीलन आ रही थी, पानी जो ऊपर से छोड़ते थे ना वॉशरूम का, तो सीलन आती थी। अभी इस दीवार को थोड़ा सा पाइप को नंगे करके देखा कि यहाँ से क्या फॉल्ट है, तो ऊपर पता चला कि वहाँ पे एल वन है, उसमें थोड़ा सा होल हुआ है, वहाँ से पानी का रिसाव होता है और नीचे आता है, तो प्लम्बर ने वो ठीक कर दिया। अब इसको एक दिन रेस्ट दे करके कल चेक करेंगे, दोबारा टेस्टिंग करेंगे, पानी दोबारा तो नहीं आ रहा। अब इसको दोबारा से यहाँ पे प्लास्टर करना पड़ेगा। ये काफ़ी दिन से ऐसे ही था, 2-3 महीने हो गए, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि इसको ठीक करवाऊँ, रिपेयर करवाऊँ, और मन भी नहीं कर रहा था नए घर पे ऐसे तोड़वाने को, लेकिन अब क्या करें, इसके रिपेयर करनी तो इसको तोड़ना पड़ना था। देख करके थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि ये नया घर है और इसको तोड़ना पड़ा, पाइपें नंगी हुई। आंचल को बड़ा अजीब सा लगा ना, क्या कैसे लगा? हाँ, दोबारा जुड़ जाएगा। हाँ जुड़ेगा क्यों नहीं, प्लास्टर हो गया क्या जुड़ता नहीं। सबसे पहले चुन्नी लेते हैं क्योंकि हम माता रानी का, मैं आपको सामान दिखाने लगी हूँ जो नवरात्रि में हम उनके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी ये जो उनका सिंहासन होगा उनके मंदिर के नीचे जो बिछाएंगे, ऐसे वाला रेड कलर का। उसके बाद ये वाली चुन्नी जो कि माता रानी की बड़ी मूर्ति के लिए ली है मैंने, उनके ऊपर ऐसे रखने के लिए। ये छोटी मैंने ये वाली ली है ऐसे, ये हमारी छोटी सी मूर्ति के लिए जो मम्मा ने पीतल की ली हुई है उस पर, और उसके लिए ना मैंने एक छोटी सी ड्रेस ली है, आपको मैं दिखाऊंगी वो वाली मूर्ति। वो इतनी सी ड्रेस, ये भी उन पर बड़ी आएगी लेकिन काफ़ी सुंदर लग रही है ये वाली ड्रेस। मैं लगाऊंगी, अगर मेरे को लगा कि उनको पूरी पूरी आ रही है तो मैं और लूँगी ऐसी। और ये मैंने 2 ऐसे वाले लिए, मतलब ये इसमें 3 तरह की फ्रेगनेंस है, पिंक, ब्लैक एंड ब्राउन। और ये मैंने छोटी सी क्या बोल सकते हैं इसको, हम चौकी बोलते हैं पर माता रानी का आप क्या बोल सकते हैं इसको, प्लीज़ मुझे माफ़ी देना लेकिन मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन ये उनके यहाँ पे उनको इनके ऊपर बिठाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल छोटे से हैं, वो उनकी एक तरह के ये छोटू सा सिंहासन हो गया। फिर मैंने मोली ली है क्योंकि कंजकों पे तो ये काम आएगी ही, वैसे उससे पहले भी चक्कर लगेंगे लेकिन मैंने ले ली एडवांस में। और मैंने लिया टीका रेड कलर में,
ये चुन्नी मैंने बड़ी वाली ली है तुलसी मैया के लिए, काफ़ी बड़ी है उनके ऊपर रखने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल खाली। और ये मैंने छोटी सी जोत ली है, छोटी सी बिल्कुल, और अगरबत्तियाँ। था मेरा सारा आज का सामान, अब मैं मंदिर को सजाऊंगी इसके बाद। मैंने अपना पूरा मंदिर साफ कर लिया है और एकदम अच्छे से सजाया, मेरे को लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सबसे पहले क्योंकि मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने माता रानी की मूर्ति, मैंने सारी मूर्तियाँ साफ करके कुछ धो के रखी हैं, मेरे को पूरा एक घंटा लगा। जय माता दी, प्लीज़ अपने दर्शन और मेघते बरकरार रखियो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले माता रानी जी की मूर्ति रखी थी, उसके बाद मैंने बाबा बालकनाथ जी की रखी थी क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। उसके बाद मैंने ये जो वैष्णो माता जी के दर्शन दिख रहे हैं इनकी रखी, और मैंने चुनरी आज दोनों की न्यू ली थी तो वो दोनों रखी है मैंने। और यहाँ पे मैंने अपने गणपति पप्पा जी, ये उनकी पीतल की मूर्ति, और मेरे को लगा था माता रानी की मूर्ति थोड़ी इससे बड़ी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ड्रेस आ गई है उनको। जय माता दी, अगली बार मैं और बड़ी लेके आऊँगी। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ, यहाँ पे हमारे हनुमान जी, यहाँ पे हमारे दोनों गणपति जी, और गणपति पप्पा और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है। और यहाँ पर हमारे गणपति पप्पा जी विराजमान है। यहाँ पर मैंने उनके लिए दोबारा से धो के पूरा सुच्चा जल रखा है। और ये तिलक है, ये हम जब जोत करेंगे। यहाँ पर मैंने जोत का सामान रखा है, तिलक और माचिस, तो ताकि वो फटाफट से मिल जाए। और इस साइड पे मैंने रखा है सारा सामान जो भी जोत के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पे है धूप, घी, गंगा जल, और यहाँ पे जो भी हमारा परवाने वाला सामान होता है हम इसमें रखा करेंगे। तो बस अभी के लिए यही मेरा मंदिर है और यहाँ पे ही मैं नवरात्रि की पूजा करूँगी। सो बोलो जय माता दी। मैंने अभी मम्मा को वीडियो कॉल पे मंदिर दिखाया, मम्मा बहुत खुश हुए। मम्मा को हमने ऐसे बोला, मम्मा हमने ना मंदिर ले लिया। मम्मा कहते चल ठीक है जी, ले लिया थे, दिखाओ कितना दवा। आप कहते बहुत सोना, बहुत सोना। तो फिर हमने मम्मा को ऐसे मंदिर दिखाया और मम्मा खुश हो गए। मम्मा कहते हाँ अंजल कहती भी पैसी। तो मम्मा खुश हो गए कि सब सुंदर सुंदर तरीके से सज गया और मेरे को देखने में अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कितनी देर से सोचा था, लेकिन अब पूरा मतलब इसके नीचे पहले जो था ना सिंहासन, वो थोड़ा छोटे साइज़ में था, अब बड़े साइज़ में लगा के पूरा। और मैंने मम्मा की मतलब मम्मा ने बोला था कि रेड कलर का सिंहासन लेना अगर लोगे तो, मतलब रेड कलर वाला कपड़ा लेना। तो मैंने पहले पिंक देखा, वो बहुत सुंदर था, लेकिन मम्मा ने रेड बोला था, फिर मैंने रेड लिया। और मेरे को लगा नहीं था कि माता रानी जो है उनको ये ड्रेस आ जाएगी जब मैंने अब देखा, लेकिन फिर भी हमारे माता रानी कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। अभी मैंने खाना भी बना दिया है, मतलब मेरा टोटली सारा काम ख़त्म हो चुका है। एक सुकून सी फीलिंग आ रही, बर्तन हो गए हैं, खाना बन गया हुआ, बस इन्होंने खाना है, देखते कब खाते हैं। और अगर जो भी बर्तन हो गए मैं साथ में ही धुल दूँगी। तो सब अच्छा रिलैक्सिंग फील हो रहा है, क्योंकि नवरात्रों की टेंशन मेरे को बहुत थी कि मंदिर लेना पड़ेगा, बट नहीं, जब इसको सजाया अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये भी, अब भी जब मम्मा आएंगे तब देखेंगे उनका क्या मन करता है। लेकिन मम्मा खुश हो गई, मम्मा को खुश देख के मैं ज़्यादा खुश हो गई हूँ। सी सासू माँ अपनी बहू को इतना फ्रीडम दे देती है कि जैसे भी चेंजेस करने कर लो, बट मैंने सासू माँ होती है जो अपनी बहू को पूरा फ्रीडम देती है ना कि अपनी तरीके से सेट कर ले। मतलब उनको बस ये होता है कि मेरी चीज़ इधर उधर ना हो, बाकी जैसे मर्जी कर ले। मेरे को भी होता है कि जो चीज़ मेरे को जब चाहिए होती है ना तो मिलनी चाहिए, बस मतलब अब मम्मा का रूम भी ऑल सेट है, जब वो आएंगे सिर्फ उनकी अलमीरा रह गई है। हाँ, क्योंकि तब मेरे को डांट पड़ेगी, वैसे मेरे को अदरवाइज कोई चीज की डांट पड़ी। हाँ, मम्मा बार बार पूछते थे, पहले भी उन्होंने पूछा एक दो बार कि मेरे कपड़े कहाँ रख दिए। थोड़ा सा मूड स्पॉइल हो जाता है कि ये अपनी तरीके से चेंज ना करते, तो मैं मम्मा की चीजों को नहीं हाथ लगाऊंगी। मंदिर भी मैंने उनसे पूछ के किया है और उनको अच्छा लग रहा है, ये चीज सोच के मेरे को अच्छा लग रहा है।